अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। द बर्ड मैन वंस अगेन, और आज की वीडियो के अंदर वंस अगेन डाइट के बारे में। बट बेसिकली ये अर्ली मॉर्निंग है, सुबह इनको मैंने थोड़े से सीड्स दिए थे और अभी जो है मैं इनको एग बेस्ड डाइट दूंगा। एग को आप हार्ड बॉईल करें और उसके बाद उसको मैश कर लें। ये चूँकि मैंने नीचे रखा हुआ है तो ये उसको खाने के लिए आ रहे हैं। ये बेसिकली मैंने क्या किया है कि एग को हार्ड बॉईल किए और उसके बाद जो है मैंने सिंपली इसको मैश किया और ये खाने के लिए आ रहा है। लेकिन इसको हमने खाने देना नहीं है तो हम इसके लिए डालेंगे अलग से। हम लोग हटो, चलो ले लो। हम 3 केजीज़ के अंदर हम रखेंगे इनके लिए भी। और आप भी चम्मच यूज़ कर लें, इस टाइम मेरे पास चम्मच है नहीं। छोड़ तो मैं सिंपली हाथ से थोड़ा सा डाल लूँ, हाथ साफ़ कर लेना आप लोग बाद में। चूँकि एग्स में बहुत प्रोटीन होता है तो प्रोटीन से इनके जो फ्लाइंग मसल्स हैं और इनकी बॉडी में, अगर कोई पैरेट आपका वीक है तो उसको बॉइल्ड एग ज़्यादा दें। आप देखेंगे वेरी सून, मतलब तकरीबन 3 to 4 weeks के अंदर उसकी जो मसल ग्रोथ है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और सेकेंडली ये कि कोई बर्ड आपका वीक है तो यू शुड गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई। उसको किसी बड़े केज में रखें या किसी एवियरी में रखें उसको, या किसी को कुछ दिन के लिए दे दें जहाँ पे वो उसको कुछ दिन फ्लाई करवा सके और ये डाइट दे सके। क्योंकि मसल जो है वो ग्रोथ से डेवलप होते हैं, एक्सरसाइज से डेवलप होते हैं। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स की अच्छी ग्रोथ होगी। खैर ये हमने डाल लिया, हम पे कर सकते हैं स्पेयर के लिए। ठीक है, एक ये पेयर है इसके लिए रख लेते हैं और एक इनके लिए रख लेते हैं। अब देखें, मैं आपको भी बताता हूँ कि वो खाने के लिए किस तरह आ रहे हैं ऊपर से। ये अभी सिर्फ मैंने रखा है। सो ये आपने बर्ड्स को इतना आदि करना है कि वो इस किस्म की चीज़ें खाएं, आपने अपने पैरेट्स को इस चीज़ों के लिए आदि करना है। तो इनके लिए इधर रख लेंगे हम ताकि ये भी खा लें। ये रखा हमने इनके लिए, देखें ये भी खुद ही जाएंगे अंदर खाने के लिए, नहीं तो इनको भूख ना लगी हुई तो खेल कूद में लगे रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एग को मैश करने का तरीका और किस तरीके से आप एग सर्व कर सकते हैं, इट्स जस्ट सिंपली बॉइल्ड एग जो कि मैश हुआ है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं आप लोगों के, सो प्लीज़ टेल मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।